हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। ऐसे मुट्ठी भर निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी, उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना
ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं।